हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। हम आज स्टार्ट करें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मध्य प्रदेश का गठन। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। हम सबको पता है दोस्तों कि जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। और जब देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ तो ये अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश भी अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, जहां पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे क्या कहते हैं रजवाड़ों का राज्य था। ठीक है, उन सब में आपसी संघर्ष भी बहुत ज्यादा थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, कुछ ऐसे हैं जो भारत में अपना संविलियन चाहते थे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे देश में कुछ कमिटीज बनाई गई जिन्होंने राज्यों के बंटवारे के लिए भाषाई आधार का सुझाव दिया। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कमिटी है उसकी हम बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं JVP कमिटी। इसमें 3 सदस्य हैं, आप याद रखेंगे जे स्टैंड्स फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, जी हां सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, JVP कमेटी ने कहा कि हम राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी है, रिसर्च करा, और उसके बाद उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि राज्यों का गठन होगा किसके बेस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के बेस पर, जिससे प्रशासन करने में आसानी हो पाए। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति रहे हैं श्री रामुल्लू, 1953 में आंध्र प्रदेश के एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामल्लू, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग कर दिया जाना चाहिए। और उसी स्ट्राइक के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बाद में यहां पर एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसे हम जानते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, इसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 में हुई। ठीक है, फजल अली कमीशन का नाम फजल अली कमीशन क्यों पड़ा, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वह जस्टिस फजल अली खान, इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था, इसलिए हम इसे फजल अली कमीशन के नाम से जानते हैं। इसमें 2 अन्य सदस्य हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM मणिक्कर। तो ये 3 सदस्य रहे हैं फजल अली कमीशन के या राज्य पुनर्गठन आयोग के, जिन्होंने पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार प्रस्तुत किया, और पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला है आंध्र प्रदेश। तो आप ध्यान रखेंगे भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, उसकी अनुशंसा पर बाकी के भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इस तरीके से 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 में किसकी अनुशंसा पर, फजल अली कमीशन की अनुशंसा पर किया गया था। हम फिर से आते हैं 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो हमने बात करी कि उस समय पर देश 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जिसमें अलग अलग राज्य थे। लेकिन उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी चार भागों में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश को जिन चार भागों में विभाजित किया गया था वो कौन कौन से देख लीजिए। पार्ट ए वाले भाग में रखा गया था सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर। इस समय इसमें 22 जिले हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें आपका महाकौशल, और आपका बघेलखंड वाला एरिया भी इसमें सम्मिलित था। बघेलखंड के अलावा छत्तीसगढ़ भी कुछ का कुछ क्षेत्र था। महाकौशल की राजधानी थी जबलपुर। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्र की राजधानी नागपुर, जिसमें कुल 22 जिले हुआ करते थे, ठीक है। उसी में महाकौशल भी एक अलग क्षेत्र था जिसकी राजधानी थी जबलपुर। पार्ट बी में मध्य भारत प्रांत, या इसे ही मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता है, जिसकी दो राजधानियां थी। 6-6 महीने के लिए दो राजधानियां बनाई गई थी, एक राजधानी थी ग्वालियर और दूसरी राजधानी थी इंदौर। पार्ट सी में विंध्य प्रांत था, विंध्य प्रांत की राजधानी रीवा थी, जिसमें बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र शामिल था। और भोपाल, इन सबसे अलग भोपाल को एक अलग भाग में रखा गया था, ठीक है। भोपाल के अंतिम नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। भोपाल ने पहले भारत में मिलने से विलय से मना कर दिया था, तो ये स्वतंत्र था, लेकिन बाद में काफी समझाइश और मनाने के बाद नवाब हमीदुल्ला खान ने अप्रैल 1949 में भारत में विलय के लिए कुछ शर्तों के साथ तैयार होते हैं, और 1 जून 1949 को भोपाल को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये आजादी के समय की घटना है, जब 1947 में मध्य प्रदेश की संरचना इस तरह से थी, पार्ट ए बी सी जिसमें ये प्रांत थे और वहां की राजधानियां। जब पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र था जिसकी राजधानी नागपुर थी, यहां पहले मुख्यमंत्री थे, यहां के पहले मुख्यमंत्री हैं आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। और पहले राज्यपाल हैं राघवेंद्र राव, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले राज्यपाल हैं राघवेंद्र राव। इसी तरीके से पार्ट बी मालवा यूनियन के जो पहले मुख्यमंत्री हैं श्री लीलाधर जोशी, और पहले राज्यपाल हैं तखत मल जैन। और विंध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला और राज्यपाल हैं मार्तन सिंह शंभुनाथ शुक्ला। इन्हीं के नाम पर आप शहडोल में देखेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह भी है। और शंभुनाथ शुक्ला के अलावा राज्यपाल यहां पे रहे विंध्य प्रांत में मार्तन सिंह। फिर हमने बात करी कि भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय, तो ध्यान रखेंगे विलय कब हुआ है, 1 जून 1949 में, ठीक है। अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खान, जिन्होंने मध्य प्रदेश के में भोपाल के विलय को मंजूरी दी, ठीक है। इस तरीके से भोपाल अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का भाग बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1947 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाले क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भाग रहे हैं जो कि
मराठी भाषा बोला करते थे, जैसे बुलढाणा है, अकोला है, यवतमाल है, वारधा है, तो ये सारे जो क्षेत्र है मराठी भाषी लोग, भाषा के आधार पर इन्हें महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाता है। तो भाग ए में, भाग ए के बहुत सारे जो मराठी भाषी क्षेत्र थे उन्हें महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया जाता है। भाग बी में हम एक परिवर्तन देखते हैं, मंदसौर के पास एक छोटा सा क्षेत्र सुनेल टप्पा, इसे राजस्थान को दे दिया जाता है, मंदसौर की एक तहसील, और राजस्थान से सिरोंज, सिरोंज को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया जाता है, ये परिवर्तन देखते हैं। और भाग सी में जो भोपाल है उसका विलय हो जाता है, और विलय के पश्चात भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है, और यहीं पर क्या कहते हैं, इस तरीके भाग सी में उसे शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन होता है, और 1956 में मध्य प्रदेश का जिसकी स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1956 में, उस समय पर मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग और 43 जिले थे। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, 8 संभाग और 43 जिले। फिर पहला परिवर्तन जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वो हुआ है आपका 1972 में, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन होता है। पहला जिला है आपका राजनंदगांव, जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा जिला बनता है भोपाल। तो प्रश्न ये उठता है कि इसके पहले भोपाल क्या था, तो इसके पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, और 1972 में जिला बनने के बाद ये जिला बन जाता है, ठीक है, सीहोर की तहसील से अलग हो जाता है। उसके बाद अगला परिवर्तन हम देखते हैं मई 1998 में एक जिला पुनर्गठन समिति की स्थापना होती है, डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की, जिसके अध्यक्ष रहे हैं वीपी दुबे। कमेटी की अनुशंसा पर 10 नए जिलों के गठन का प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें से 10 नए जिलों का गठन बनता है, जिसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश को मिलते हैं। वो कौन कौन से 4 जिले हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका बड़वानी, दूसरा आपका जिला बनता है श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। तो इस तरीके से मई 1998 में बीपी दुबे कमेटी की अनुशंसा पर 4 नए जिले मध्य प्रदेश को मिलते हैं, और जो 6 जिले हैं वो चले जाते हैं कहां, आपका छत्तीसगढ़ में। तो बड़वानी जो यहां पर बनता है, बड़वानी बनता है आपका खरगोन से अलग होकर, ध्यान रखेंगे। श्योपुर कहां से अलग हुआ है, मुरैना से। कटनी आपका जबलपुर से, और डिंडोरी मंडला से। तो ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला बना है, तो किस जिले से अलग होकर इसे बनाया गया है। तो मई 1998 में बीपी दुबे कमेटी के आधार पर, फिर उसके बाद उसी साल जून 1998 में सिंहदेव कमेटी आती है। सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिलों के गठन का प्रस्ताव आता है, जिनमें से 3 जिले मिलते हैं मध्य प्रदेश को, इन्हें हम याद कर सकते हैं, नीमच, उमरिया और हरदा। नीमच अलग होता है आपका मंदसौर से, उमरिया आपका बनता है शहडोल से, और हरदा आपका बनता है होशंगाबाद से। इस तरीके से ये जिले हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1972 के बाद अभी 16 जिले और बन गए। तो आप देखते हैं कि 1998 में कंडीशन क्या है। 1998 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बनते हैं, 43 शुरू में थे, इन 43 के बाद 2 ये बने, 45 हुए, 45 के बाद 10 ये, 55,
और 55 के बाद 6 ये कितने हो गए 61, यानी कि यहां तक कंडीशन है कि 61 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। अगला जो बंटवारा मध्य प्रदेश का हो रहा है या पुनर्गठन जो हो रहा है 1 नवंबर 2000 को होता है। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश दो भागों में बढ़ जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो फिर से ये जो 16 जिले एक्स्ट्रा बने थे ये 16 जिले चले जाते हैं कहां, छत्तीसगढ़ में। और 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 45 डिस्ट्रिक्ट। अब उसके बाद अगला विभाजन हम देखते हैं, तो 1998 के बाद आप देखेंगे कि अगला जो विभाजन है, आप याद करने के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है। 1998 में अगला लास्ट विभाजन हो चुका है, ठीक है। 1998 से आप 5 साल आगे निकल आए, आता है कि अपना 2003। 2003 के बाद 2008, 2008 के बाद 2013 और 2013 के बाद 2018। इन वर्षों में कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ जिले बनते हुए दिखाई देंगे। फिर सबसे पहले हम देखते हैं 2003 में, 2003 में फिर से नए जिले बनते हैं और दो जिले बन रहे हैं यहां पर 15 अगस्त 2003 को तीन नए जिले बनते हैं। एक तो है आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका बनता है अनूपपुर शहडोल जिले से, और अशोकनगर इसे गुना से अलग करके बनाया जाता है। इस तरीके से 2003 में तीन नए जिलों का गठन किया जाता है। फिर 2008 में दो नए जिले बनते हैं, 17 मई 2008 और 24 मई 2008 को दो नए जिले बनते हैं। 17 मई 2008 में बनता है अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग किया जाता है, और सिंगरौली जिला बनता है 24 मई को, जो कि सीधी सड़क करके बनाया जाता है। फिर 15 अगस्त 2013 आगरमालवा इसे साजापुर से अलग किया जाता है, और 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग किया जाता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ठीक है। और 53वां जिला आपका नागदा प्रपोज्ड है, क्योंकि उज्जैन से अलग होकर बनाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जिलों की मांग लगातार उठ रही है, तो इन सारी चीजों को हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा मध्य प्रदेश की संरचना में, उन सारी चीजों को हम लगातार पढ़ते चलेंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन उठाते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहां से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो पहला क्वेश्चन जब हमने शुरू किया था तो राज्यों की स्थापना किस आधार पर की गई है, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश की स्थापना या राज्यों की स्थापना भाषाई आधार पर की जाती है, ठीक है। किसकी अनुशंसा पर, जस्टिस फजल अली कमीशन के अध्यक्ष अनुशंसा पर, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 में हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 में हुआ है, ठीक है। भोपाल जिला कब बनता है, 1972 में बनता है, ठीक है। कुछ रिसेंट के हैं, जैसे हम बात करें निवाड़ी की, बात करें निवाड़ी जो है ये टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी का निर्माण किया जाता है, जिसमें तीन तहसील है, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, ये तीन तहसील इस जिले में यहाँ पर शामिल की गई है। ये सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा जिला है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन आप बोल सकते हैं पूरा होता है, और अभी वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, उसका भौगोलिक स्वरूप कैसा है।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्विज आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप करेंगे क्विज और उसको देखेंगे। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। सबसे पहले हम उसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक विस्तार। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से एक लैंडलॉक्ड एरिया है, लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब ये है कि ऐसा राज्य जो चारों ओर से जमीन या स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ होता है, इसे हम स्थल रुद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। तो आखिर कौन कौन से स्थल आकृतियों से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, इसको हम समझते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश है, पूर्व में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में हम देखते हैं महाराष्ट्र है, पश्चिम में हम देखते हैं गुजरात और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हुए, आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, कुल पांच पड़ोसी राज्य हैं। इनसे घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। अब क्या कहीं भी आपको पानी दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं भी मध्य प्रदेश के चारों ओर पानी वाला क्षेत्र नहीं है। यानी कि ये कैसा है, स्थलबद्ध क्षेत्र है, स्थलबद्ध राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट। ठीक है, अब लैंडलॉक्ड स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश क्या है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इसलिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश भी कहा है, हार्ट स्टेट, हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के अलावा सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए हम इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्य हैं। ठीक है, या मध्य प्रदेश के दूसरे नाम हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, हार्ट स्टेट किसने कहा, हृदय प्रदेश किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। मध्य प्रदेश और क्या है, सोया प्रदेश है, टाइगर स्टेट है, ठीक है, डायमंड स्टेट बोले जाते हैं, बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पन्ना में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन कहां, पन्ना जिले में होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या है, पन्ना गोल्ड डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश है जहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वेजिटेशन है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बायोडायवर्सिटी आप देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम बायोडायवर्सिटी वाला सेक्शन, हम फॉरेस्टी सेक्शन में डील करेंगे, उसको उसमें यहाँ पर हम कवर करेंगे। हमारा जो बात हम जो भी शुरू कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के बारे में। एक तो हमने देख लिया मध्य प्रदेश का विस्तार कैसा है। ठीक है, अब हम अगर बात करें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश का विस्तार, तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वह है आपका 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है आपका 870 किलोमीटर। ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसका भौगोलिक विस्तार ये हुआ। लेकिन ये भौगोलिक विस्तार नहीं, क्षेत्रीय विस्तार है, ये ध्यान रखेंगे। भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक बिंदु, ठीक है, जो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर उसकी गणना करते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? हम मानते हैं जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, या ग्लोब है, तो ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, या ग्लोब पर खींची गई वे क्षैतिज रेखाएं,
जो किसी दो स्थान के बीच की दूरियों को निर्धारित करती हैं, वहां पाई जाने वाली भौगोलिक परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। यानी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, ये होरिजोनटल होती हैं। क्या पता चलता है इससे हमें, दो क्षेत्रों के बीच, जैसे अगर मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके चारों दोनों ओर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अक्षांश रेखाएं दो क्षेत्र, अक्षांश रेखाओं के बीच के पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो जलवायु वगैरह के बारे में पता चलता है किससे, अक्षांश रेखाओं से। फिर देशांतर रेखाएं क्या है, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो दो स्थानों के बीच समय का निर्धारण करती हैं। यानी टाइम के कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा देशांतर रेखाओं को लेते हैं। जलवायु के निर्धारण के लिए हम किसे लेते हैं, अक्षांश रेखाओं को लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं से हमें समय के बारे में पता चलता है। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं के बीच में पाया जाता है, यही कहलाएगा आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। इसको हम समझते हैं, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश में आप लिख लेंगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में लिख लेंगे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहीं पर पूर्वी देशांतर, एक और पूर्वी देशांतर है जिसे हम भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं, जिसे हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। IST यही क्या है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे। देश की बात करेंगे तो देश में आपका उत्तर प्रदेश के पास नैनी एक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जिले में आता है, वहां से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर एक और भौगोलिक रेखा है, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश के से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा, ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए मैं बाएं से दाएं की ओर याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, आप वो ट्रिक लिख लेंगे और उसके बाद हम जिले देखेंगे कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। रहुआ, रासी, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कौन जिलों के नाम बाएं से दाएं, या आप बोल सकते हैं पश्चिम से
पूर्व की ओर। रा का मतलब है रतलाम, उ का मतलब है उज्जैन, आ का मतलब है आगर मालवा, इस रा का मतलब है राजगढ़, सी का मतलब है सीहोर, भा भोपाल, वा विदिशा, रा से रायसेन, सा का मतलब है सागर, दम का मतलब है दमो, जब यानी जबलपुर। कटनी आपके सामने पूरा लिखा है। उमरा का मतलब है उमरिया और इसका का मतलब है शहडोल। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो बनाई गई है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ऐसे कुल 14 जिले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी आगे की क्लासेस में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना और उसके राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे।